नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। पंजाब के लुधियाना सेंट्रल जेल में गुरुवार को बवाल हो गया। गुरुवार सुबह जेल में कैदी आपस में भिड़ गए, जिसके बाद बवाल बढ़ता चला गया। पुलिस ने कैदियों पर काबू पाने के लिए हवाई फायर भी किए, इसमें 15 कैदी घायल हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि इसके साथ साथ बवाल का फायदा उठा करके 5 कैदी फरार हो गए थे, हालांकि उसके बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। स्थिति चारों तरफ तनावपूर्ण है और इसी को देखते हुए मेन गेट को बंद कर दिया गया, सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि जेल में कैदी आपस में भीड़ पड़े और पुलिस की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है। मौके पर फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया है। लुधियाना सेंट्रल जेल में संदीप सूद, जो कि NSPS एक्ट के अंदर कैद में था, उसकी अचानक मौत हो गई और मौत के बाद में ये बवाल हुआ। उधर जेल मंत्री का कहना है कि जेल में 2 सिलेंडर फटे हैं। जेल मंत्री ने रंधावा ADGP जेल रोहित चौधरी को जानकारी मांगी है। उनके अनुसार हालात कंट्रोल करने के लिए जेल कर्मचारियों ने गोली चलाई थी। जेल में मोबाइल होने की बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा जेल के अंदर इंटेलिजेंस विंग स्थापित करना चाहिए, CM से बात की जाएगी। लुधियाना जेल मामले में एक आदमी सुबह मर गया था, इसी को लेकर के ये पूरा बवाल हुआ है। उन्होंने कहा मैं जाकर पता करता हूँ, अभी तो बैठक में था। उन्होंने कहा कि क्या ये गैंगस्टर का मामला है, वो मैं जाकर के देखूंगा। वहीं जानकारी एक और बताई जा रही है कि सन्नी नामक एक गैंगस्टर जेल में, उसकी मौत हो गई है और उसकी मौत के बाद गैंगस्टर भड़क गए और उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया। उनका आरोप है कि पुलिस ने सनी को मारा है। कहा जा रहा है कि जेल में लगभग 150 गैंगस्टर हैं जो पुलिस से भिड़ गए। उनके हाथ में जो भी चीज़ लगी उन्होंने उनके द्वारा पुलिस पर हमला बोल दिया। वहीं इस दौरान कई कैदी भी घायल हो गए। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल को वहां पहुंचाया गया है। स्थिति को काबू करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दौरान कई पुलिस वालों पर भी हमला हुआ और उनको चोटें भी आई हैं। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट।